अगर दोस्तों आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले प्रॉफिट लॉस का, एक व्यापारी एक वस्तु को 20% हानि पर बेचता है, यदि विक्रय मूल्य 100 रुपया बढ़ा दिया जाए तो 5% के लाभ पर होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कि हमको क्या ज्ञात करना है, सीपी ज्ञात करना है। तो इन सब सवालों को सॉल्व करने के लिए बेस्ट ट्रिक है, हम इस मेथड से सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमारे पास सीपी कितना है, सीपी हमारे पास कितनी है, 100 रुपया, ये हमें सवाल में दे दिया है, ठीक है। तो पहले कह रहा है एक वस्तु पर कितनी हो रही है, 20% हान हो रही है, क्या हो रही है, 20% हान हो रही है, इसको लिख देंगे इस तरीके से। और दूसरे पे क्या हो रहा है, 5% हमारा लाभ हो रहा है, ठीक है, लाभ लिख देंगे। तो 100 में जब 20% का हान हुआ तो हमारे पास यहां कितना बचा, 80 बचा। अब जब ये 100 में 5% का लाभ हुआ तो हमारे पास 100 + 5 कितना हो गया, 105, ठीक है, अब 105 हो गया। अब देखिए दोनों में डिफरेंस कितने हैं, 80 और 105 में, तो आपको 25 की डिफरेंस दिख रहे हैं, तो 25 हो गया। हमारे पास टोटल सीपी कितना था, 100 रुपया था, यानी कि 25 कितने के बराबर है बाबू, 100 के बराबर है। तो एक यूनिट का दाम कितना होगा, 25 यूनिट 100 रुपया है, तो एक यूनिट का दाम कितना होगा, ये सबको पता होगा, भाग देंगे तो 25 × 100, यानी कि एक यूनिट का दाम कितना आया, 4 रुपया है। और टोटल कितना होता है हमारे पास परसेंटेज में, 100 होता है। तो कुछ नहीं करना है, बस 4 में 100 का गुणा कर लीजिए, एक यूनिट का 4 आया तो 100 यूनिट का कितना होगा, 400, कितना होगा, 400, यही हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ऐसे सवालों को हम ऐसे सॉल्व करेंगे।